कैसा लगेगा अगर लोग आपके पीछे आपकी तारीफ करने लगें और आपको हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लें। जिन लोगों से आप एक बार मिल जाओ, अगर वही लोग आपसे दोबारा मिलें, तो उनके अंदर आपसे बात करने की क्यूरियोसिटी यानी कहें तो तड़प उठने लगे। अगर ऐसा एटीट्यूड आप अपना बिल्ड करना चाहते हो तो ऐसी 3 आदतें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन्हें यदि आपने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया तो फिर चाहे आप हजारों लोगों के बीच में ही क्यों ना खड़े हो जाएं, आप अलग ही अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल लगोगे। नंबर 3, टेक प्राइड इन देमसेल्फ। आज से ही अपने आप पर गर्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों में दिक्कत यहाँ आती है कि हम कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। हमेशा हम अपनी नेगेटिव चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे मेरी हाइट छोटी है या मैं थोड़ा सा काला हूँ, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है। और यही परेशानी है कि हम कभी अपने आप पर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, और इसी नेगेटिव थिंकिंग के कारण हमारा कॉन्फिडेंट लो हो जाता है। और फिर जब भी कभी हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे सामने वाला कहीं आपकी नेगेटिव चीज पर ध्यान ना दे रहा हो। इस टेंशन में आप सामने वाले से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर पाओगे, और जब तक आप कॉन्फिडेंट होकर बात करना नहीं सीख सकते तब तक कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता। और ये कॉन्फिडेंट आप में तब आएगा जब आप खुद को दुनिया में सबसे अनोखा मानने लगोगे, और इस दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, ये सच्चाई है। नंबर 2, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप किसी से एक बार बात कर लें और आपकी कोई एक चीज उनके साथ चली जाए जिस वजह से आपकी बातें उनकी यादों में रह जाएं और वो आपके पीछे भी आपकी तारीफ करते रहें, अगर ऐसी एटीट्यूड को आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो आप में होना चाहिए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब हंसाने की कला। जब भी आप किन्हीं 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बात करें तब आपको बात करते समय कुछ ऐसा बोलना है जिससे सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाए। इससे ये होगा कि बात तो सबने की होगी लेकिन लोगों के मन में आपकी वही बात याद रहेगी जिससे आपने सभी के चेहरे पर स्माइल लाई थी। और इसी आदत के चलते आपसे लोग दोबारा भी अट्रैक्ट होकर बात करने की कोशिश करेंगे और आपकी एक अलग ही इमेज बनने लगेगी। लेकिन आप में से कई लोग सोचोगे कि मुझे तो मजाक करना ही नहीं आता, तो क्या मैं ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर अचीव नहीं कर सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से ही कॉमेडी शो को देखना शुरू कर दीजिए जिससे आपको कई तरीके मिल जाएंगे जो लोगों को हंसा सकें। नंबर 1, एटीट्यूड ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर एटीट्यूड ऑफ मैग्नेटिज्म को आपने सीख लिया तो लोग भी आपके पीछे मैग्नेट के तरह घूमेंगे। एटीट्यूड ऑफ मैग्नेटिज्म जिस इंसान में होता है वो जब 100 लोगों के बीच में भी जाता है तो उसके एटीट्यूड से ही सभी समझ जाते हैं कि इस बंदे में कुछ बात है। अगर आप भी एटीट्यूड ऑफ मैग्नेटिज्म अपने अंदर लाना चाहते हो तो आपको हॉनेस्ट और हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। आपको अपने टैलेंट पर काम करना पड़ेगा और हर काम को उस लेवल पर करना होगा जैसे उस काम को आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। आपके सामने चाहे कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो, आपके मन में अगर कोई बात है तो उसे कॉन्फिडेंट के साथ बोल दो, और बोलते समय आपकी आवाज इतनी तेज और क्लियर होनी चाहिए कि सभी की नजरें आप पे हों। ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या इनमें से कोई आदत आप में है? कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ वही लोग आते हैं जिनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है।